समय हॉस्पिटल में दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जोड़ प्रत्यारोपण, फ्रैक्चर एवं हड्डी रोग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हिस्टेक्टोमी, रसौली, अपेंडिक्स, प्रोस्टेट पित्त की थैली, हर्निया जैसी अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज होते हैं दूरबीन विधि द्वारा। 24 घंटे एक्सरे की सुविधा एवं अन्य सुविधाओं से लैस समय हॉस्पिटल, गिरिराज पेट्रोल पंप के पास, रामबाग, आगरा। ताजनगरी आगरा में 8 जनवरी 2017 को अर्थ मीडिया हाउस की शुरुआत की गई थी, जिसने अपना सफल एक वर्ष पूरा करते हुए 8 जनवरी 2018 को संजय पैलेस स्थित कार्यालय पर अपना फर्स्ट केक सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर संस्था द्वारा आगरा के 3 उभरते हुए कराटे के खिलाड़ियों का सम्मान किया। कार्यक्रम में ताज नगरी आगरा के वरिष्ठ पत्रकार विजय बघेल ने बच्चों को सम्मानित किया और अर्थ न्यूज को बधाइयां दी। अर्थ न्यूज की पहली वर्षगांठ पर मैं इनके जो ऑनर और यहाँ के एडिटर हैं करतार बघेल और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। अर्थ न्यूज समसामयिक मुद्दों के साथ ही आगरा, फिलहाल आगरा में है और आगरा की समस्याओं को जिस तरीके से उठा रहा है उसके लिए इनका प्रयास सराहनीय है। और जिस तरीके से जो आज मेधावी युवा, जो बहुत ही प्रतिभाएँ, एक छोटे स्तर की प्रतिभाएँ हैं जिनको, जिन्होंने एक बड़ा नाम रोशन किया है नेपाल में जाके, जो सेफ देश हैं उनमें इन्होंने जो पदक जीते हैं और अपने जो पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे दूसरे देशों के प्रतिद्वंदी हों, उनको हरा करके और जो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, इनका जो इन्होंने सम्मान किया है, तो प्रतिभाओं का एक तरीके से सम्मान है। और बधाई और मेरी ये शुभकामना है कि अगले आने वाले सालों में अर्थ न्यूज़ आगे तरक्की करे और इतना आगे बढ़े कि अर्थ न्यूज़ आगरा के लोगों की जुबान पर हो और आगरा के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी ये अपना एक स्थान बनाए। केक सेरेमनी कार्यक्रम में शहर के युवा पत्रकार व सुदर्शन न्यूज आगरा के ब्यूरो राज यादव उपस्थित रहे तो अन्य मौजूद लोगों ने अर्थ न्यूज के उज्जवल भविष्य की कामना की। अर्थ न्यूज के एक वर्ष पूरे होने पर मैं आपके अर्थ न्यूज के पूरे स्टाफ और संपादक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि जिस तरह से पूरे साल अर्थ न्यूज ने अपनी जो सेवाएं दी, समाज के जिन मुद्दों पर काम किया, इसी प्रकार से आप आगे अग्रणी भूमिका निभाते रहें। और जो सबसे बड़ी बात थी कि आपने युवा प्रतिभाएँ जो निखर कर सामने आई हैं, देश स्तर पर जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, उनको जो सम्मानित करने का काम किया वो एक सराहनीय कदम था। और मीडिया जगत में ऐसे लोग आए हैं, करतार सिंह बघेल जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद। हाँ, इनकी वर्षगांठ एक पूरी हुई है जिस कामयाबी से आदमी वो ही मनाता है जब वो कामयाब होता है। हम चाहते हैं कि ये हर साल इस तरीके का फंक्शन करें और कामयाबी के जो झंडे इन्होंने शहर में गाड़े हैं वो वास्तव में इनाम के काबिल हैं। निष्पक्षता इनकी न्यूज़ के अंदर मैंने कई बार टेस्ट की है और ये निसंकोच उसमें कामयाब हुए हैं। जो ऊंचाइयां करतार भाई ने पाई हैं उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं सबसे पहले अर्थ मीडिया को, अर्थ न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए इतना बढ़िया प्रोग्राम दिया और बहुत ही अच्छे लोग, काफ़ी लोग एकत्रित हुए, सभी लोगों का इसमें सहयोग रहा। तो मैं तो ये कहूँगा इस तरह के प्रोग्राम बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए होते रहें और आपकी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। इस मौके पर संस्था द्वारा सम्मानित किए गए बच्चे व उनके पिता तो उत्साहित नजर आए ही, बल्कि अपने खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत कर कामयाबी दिलाने वाले कोच नितिन सोलंकी ने खिलाड़ियों की जरूरतें बताई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए सहयोग की अपील लोगों से की। मैं पहले तो अर्थ न्यूज को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, एक वर्ष उनको पूरा हुआ है और आप लोगों ने अच्छा कार्यक्रम किया है। ये बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी बात है, हम लोगों के लिए भी अच्छी बात है, अपने क्षेत्र में इतना अच्छा कार्यक्रम आपने किया है और जो बच्चों का मनोबल आप लोगों ने बढ़ाया है, सम्मान किया है उन बच्चों का, इन खिलाड़ियों का, ये खुद में बहुत बड़ी बात है और मैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। देखिए, 8 जनवरी 2017 को हमने अपने अर्थ न्यूज़ ऑनलाइन चैनल को शुरुआत की थी और एक वर्ष इसका 8 जनवरी
2018 को पूरा हो गया। कामयाबी का पूरा साल रहा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, आपस में सब लोगों का सहयोग रहा, प्यार रहा। और ख़ास करके इस कार्यक्रम में हमने 3 बच्चों को सम्मानित किया, उनके पेरेंट्स को सम्मानित किया। बड़ी खुशी होती है कि कोई देश का नाम रोशन कर रहा है और उनको आप अपने संस्था और अपने माध्यम से आप सम्मान दे रहे हैं। और उनसे ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि वो बच्चे निरंतर तरक्की करते रहें और अर्थ न्यूज़ भी निरंतर अपनी ऊंचाइयां जो हैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से छूता रहे, यही ऊपर वाले से प्रार्थना है। कार्यक्रम में कराटे खिलाड़ियों के अलावा कई संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से सराफा स्वर्णकार व्यवसाय कमेटी के अध्यक्ष सुनील वर्मा, जनसेवा सोसाइटी के अध्यक्ष हरीश अग्रवाल, आर ए मूवीज के चेयरमैन रंजीत शर्मा, ताजनगरी आगरा में किशोर दा के शो से अपनी पहचान बना चुके चंचल उपाध्याय, अर्थ मीडिया हाउस के डायरेक्टर और रिपोर्टर करतार सिंह बघेल, बलवीर सिंह बघेल, आर्यन बघेल, अधिराज सिंह, डॉक्टर अशोक राजपूत, राघवेंद्र सिंह, मुकेश मुदगल, डॉक्टर सुनील यादव, त्रिलोकीनाथ, मुनेश बघेल आदि लोग मुख्य रहे। समाज सेवा में समर्पित विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट शाखा आगरा के द्वारा आगरा की पावन धरा पर विशाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रसपान दिनांक 11 से 17 जनवरी 2018 समय दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक। स्थान देहतोरा की बचत मैदान C2 चर्चित चौराहा देहतोरा शास्त्रीपुरम आगरा। विशेष प्रतिदिन कथा के बाद विशाल भंडारे का भव्य आयोजन एवं कथा के साथ साथ नित्य सामाजिक कार्यों का आयोजन किया जाएगा, जैसे वृक्षारोपण, हेलमेट वितरण, गरीब महिलाओं को अनाज एवं कपड़ों का वितरण एवं स्कूली बच्चों को गर्म कपड़ों का वितरण, गायों की रक्षा हेतु एवं पर्यावरण रक्षा हेतु समाज को जागृत करना इत्यादि। श्री मुरारी लाल गोयल, मैनेजिंग ट्रस्टी, विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट, हरिद्वार।